कुशीनगर के वोटर के तौर पर ये बताइए, और बतौर युवा कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सबसे पहले ध्यान देते हो, या वोट देने जाओगे तो किन बातों को ध्यान में रखकर आप वोट करोगे? देखिए, जो कुशीनगर की धरती है, जैसा आप अभी बता रहे थे कि बिहार से जुड़ा हुआ, ये एक पिछड़ी जिलों में शुमार होता था और एक ऐसा जिला था ये, यहाँ जहाँ इंसेफ्लाइटिस से सबसे ज्यादा मौतें हुआ करती थी, तो और सड़कों की हालत बड़ी खराब थी, यहाँ पे बेरोजगारी भी यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा बनता है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि जैसे हम लोग जिस डिग्री कॉलेज के कैंपस में बैठे हैं या खड़े हैं, यहाँ डिबेट जहाँ चल रहा है, तो यहाँ बहुत सारे युवा हैं, तो युवाओं का जैसे भविष्य उनके रोजगार पे ही डिपेंड करेगा कि भाई यहाँ आए हैं, पढ़े लिखे हैं और रोजगार हमको मिलेगा। तो जैसे परिस्थितियों के साथ ही भाजपा सरकार अभी है, इसके पहले यहाँ कांग्रेस सरकार थी, तो विकास का जो क्रम था पहले स्लो था, धीरे धीरे बढ़ा है। जैसे अभी आप कुशीनगर की जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, यहाँ पे यहाँ कुछ दूरी पे एम्स बना हुआ है गोरखपुर में, यहाँ पे सड़कों की हालत भी पहले से बेहतर होती गई है, और योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से इंसेफ्लाइटिस धीरे धीरे एकदम गायब सी हो गई है। तो हमारा ये मुद्दा ये है कि जैसे एक राष्ट्र, चूंकि एक केंद्रीय चुनाव है तो इसमें राष्ट्र की सुरक्षा भी प्रमुखता से है, और राज्य में जैसे अपना जो कुशीनगर जिला है तो यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य का भी एक बड़ा मुद्दा हुआ करता है। तो इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको ये देखना होगा कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे और देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को बेहतर ढंग से उसको मैनेज कर सकती है, प्रभावशाली ढंग से हमारी बात को वो जनता के बीच रख सकती है। तो ये देखते हुए हमें वोट करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? ये दीपक जायसवाल नाम। ठीक है, दीपक ने जो कहा मैं मानकर चल रहा हूँ, जब आप लोग आमने सामने खड़े होते हैं तो विचारों में भी आमना सामना हो ही जाता है। क्या नाम आपका? रामलखन यादव। अब ये बताइए कि उन्होंने तो अपने हिस्से के मुद्दे बता दिए, मैं आपके हिस्से का पूछता हूँ, वाद विवाद से ज्यादा मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, जब आप वोट देने जाओगे किन मुद्दों को आधार बनाकर वोट होगा? कि वोट देने की बात है तो बहुत जाहिर सी बात है, इस समय देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, नौजवानों को बीजेपी की सरकार ने ठगने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में जो भी पेपर होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, उससे लेकर भी नौजवान बड़ा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। हजारों रुपया, हजारों किलोमीटर दूर जाता है, पेपर देता है, पेपर से निकलने के बाद उसे पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज में हम खड़े हैं, कॉलेज में पहले स्टूडेंट यूनियन हुआ करते थे, 2018 तक हुए, उसके बाद बंद हो गए। तो छात्र के जब बंद हो गए तो उसके बाद छात्रों का उत्पीड़न महाविद्यालयों में ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कि मान लीजिए पहले जहाँ 100 रुपया लगता था वहाँ 300 दिया जाता है, छात्र संघ नहीं है तो मनमानी कॉलेज संचालित करता है अपने हिसाब से। तो छात्र संघ के बंद हो गए, इस मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, मौजूदा सरकार में युवाओं के लिए कोई जो प्राविधान नहीं है, उनके भविष्य को लेकर हम वोट डालने जाएंगे और इस बार परिवर्तन के लिए देश में वोट करेंगे। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।